हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज, आज हम बात करेंगे डीसी टू डीसी कन्वर्टर, बक कन्वर्टर। तो आप देख सकते हो, ये एक बक कन्वर्टर सर्किट है। इसमें ये मोसफेट है जो बार बार ऑन ऑफ होगा। ये हमारी, आप कह सकते हो कि ये हमारा पीडब्ल्यूएम जनरेटर सेक्शन है। यहाँ से इसको फीडबैक दी गई है, ठीक है। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई है। तो आप इस सप्लाई को समझ सकते हो कि ये 5 वोल्ट यहाँ पर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा ही है। तो ये ऐसे कनेक्ट है, यहाँ पर ये 5 वोल्ट है, लेकिन इसमें यहाँ पर ये ग्राउंड भी तो होगा ना इसमें 5 वोल्ट में। तो आप इसको एक बैटरी समझ सकते हो कि ये 5 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है और ये इसका बैटरी का नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर ऐसे कनेक्ट हुआ हुआ है। और ये फ्री व्हीलिंग डायोड है जो कि मोसफेट ऑफ की कंडीशन में करंट पाथ प्रोवाइड करता है, ऐसे लोड में, इंडक्टर में और डायोड में। ये इंडक्टर है जो चार्ज डिस्चार्ज होगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये पीडब्ल्यूएम बन रही है। जब मॉस्फेट ऑन ऑफ होता है तो ये ऑन टाइम है हाई लेवल और ये लो टाइम है लो लेवल, ओके। तो इसमें क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज मिलती है, यहाँ पर ये वोल्टेज बन रही है। और मॉस्फेट जो हाई लेवल में चार्ज होता है, लोड पे भी वोल्टेज ट्रांसफर होती है, और जो इसका लो लेवल है इसमें मॉस्फेट फिर डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो हमें वोल्टेज जो मिलती है इंडक्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से, कैपेसिटर भी चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा। जब आपकी ये वाली वोल्टेज होगी हाई लेवल की, कैपेसिटर चार्ज होगा। जब आपकी लो लेवल वाली वोल्टेज होगी, साइकिल होगी, तब कैपेसिटर ऐसे डिस्चार्ज होगा, जैसे कि यहाँ पर करंट में शो कर रहा है। तो इसमें दिखा रहा है कि ऐसे 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 मूवमेंट हो रही है, तो ये करंट है जो फ्लो हो रही है। तो ये क्या शो कर रही है कि इसमें करंट जाती भी है और करंट फिर निकलती भी है। तो यानी कि चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, तब ये नेगेटिव साइकिल होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज होगी, तो ये उस समय अपने अंदर से चार्ज निकालेगा और पावर सप्लाई को स्मूथ रखेगा। पावर सप्लाई आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3.5 वोल्ट है पावर सप्लाई, ओके। और ये आप कोई भी रेजिस्टेंस हमने लगा दिया है यहाँ पर, लेकिन आप इसको कोई भी लोड समझ सकते हो, जैसे कोई भी सर्किट लोड, माइक्रो कंट्रोलर या कोई भी सर्किट हो सकता है। ये हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर का प्रिंसिपल होता है। तो जब मॉस्फेट ऑन होगा, आप इसमें देख सकते हो कि मॉस्फेट में भी जो करंट दिखा रहा है कभी फ्लो हो रही है कभी नहीं हो रही, तो इसका भी यही प्रिंसिपल है। ये ऑन ऑफ होगा, जब ऑन होगा तो करंट फ्लो होगी, जब ऑफ होगा तो करंट फ्लो नहीं होने की, जब ऑन होगा तो करंट का पाथ ये होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ये ग्राउंड का यहाँ से कनेक्ट होता है। और जब ये ऑफ होगा मॉस्फेट तो करंट का पाथ जो है फिर ऐसे होगा, इंडक्टर से डिस्चार्ज होता है करंट, सॉरी कैपेसिटर से डिस्चार्ज होता है। जब ये मॉस्फेट ऑफ होगा तो कैपेसिटर से चार्ज जो है ऐसे निकलेगा, आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ बनाए रखने के लिए, सेम बनाए रखने के लिए, ठीक है। और जब मॉस्फेट ऑफ कंडीशन में होगा उस समय ये इंडक्टर भी अपना चार्ज जो है वो रिलीज करता है, ओके। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल, जो कि बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर का जो प्रिंसिपल होता है, वो बक कन्वर्टर की इनपुट वोल्टेज हमेशा हाई रहती है आउटपुट से, और आउटपुट हमेशा कम रहती है इनपुट से। यही बक कन्वर्टर का प्रिंसिपल है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आपको सीखने को भी मिला होगा कुछ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।